हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत इस चैनल में। आज हम बताएंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो बोला भिन्न ज्ञात करने के लिए वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मान के चलिए हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा दें। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, माना के अंश एक्स तथा हर वाय है। ठीक है, प्रश्न से, ठीक है ना, माना कि अंश एक्स तथा हर वाय है। ठीक है, हम मान लिए अंश को एक्स और हर को वाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब अंश को हम यहाँ पे एक्स माने हैं, ठीक है, ये आपका अंश हो गया, ठीक है, और वाय जो है आपका हर हो गया। ठीक है, अंश है एक्स, ठीक है, और हर है वाय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, तो अंश में आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर बोला हर में 1 घटा दें। ठीक है, तो हर वाय माने हैं, ठीक है, हर क्या माने हैं, वाय, तो वाय में जो है 1 घटा देने पर, ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1, तो भिन्न में 1 बदल, 1 में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या बोला, 1 में, नीचे में कुछ नहीं है, तो अपना मन से 1 ले सकते हैं और गुणात्मक गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इस सवाल आपको 2020 में आया था। ठीक है, 21 में भी आपको इस सवाल आएगा। ठीक है, और अब की बार पूछेगा ही पूछेगा सवाल। ठीक है, और इसको पूरा इसको देखिए, इस वीडियो को, ठीक है, तब आपके समझ में तुरंत आएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि अंश में 1 जोड़ने पे, अंश हम माने हैं एक्स, क्या माने हैं, एक्स, और हर को माने हैं वाई, अंश माने हैं एक्स और हर माने हैं वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 और हर में क्या बोला है, 1 घटाने पे। ठीक है, तो इसमें 1 घटा देते हैं। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, भिन्न 1 में बदल जाती है, तो 1 घटा दिए, अंश में 1 जोड़े और हर में वाय, जैसे यहाँ वाय माने थे तो 1 इसमें से घट गया, तो बराबर ये जो है, ठीक है, हो जाएगा 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और कोणात्मक गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 से गुना होगा x में, तो यहाँ पे x ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर 1 गुना 1 होगा तो 1 ही होगा, बराबर y से गुना होगा वो, यहाँ पे 1 में y, माइनस है तो माइनस, 1 से फिर गुना होगा 1 में तो 1 ही होगा। ठीक है, तो x यहाँ पे हो जाएगा, y उधर है। ठीक है, और इधर जब लाएंगे y को, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में था तो। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये प्लस का है तो उधर गया, तो माइनस का ये भी 1। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता तो ये हो गया 2। ठीक है, समीकरण आपका 1 निकल गया। अब हमको निकालना है समीकरण दूसरा। ठीक है, तो दूसरा के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दे तब तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला यदि हर में 1 जोड़ दे, हर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, तो हर हमको 1 जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पुनः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है,
तो पुनः प्रश्न से x बट्टे हो जाएगा आपका, ठीक है। बोला है हर में एक जोड़ने पे, यहाँ पे एक जोड़ देना है, ठीक है, और बराबर जो ये 1/2 हो जाती है, ठीक है, 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एक जोड़ दें, ठीक है, तो 1/2 हो जाती है, तो यहाँ पे कोणात्मक फिर गुना कर देना है इसको, ठीक है। तो देखिए कोणात्मक यहाँ पे फिर गुना कर देना है, यहाँ पे फिर हो जाएगा x में गुना होगा 2 से, तो 2x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बराबर 1 से गुना होगा y में, तो y प्लस का 1 ही होगा, 2x, ठीक है, और प्लस का है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। समीकरण आपका हो गया 2, ठीक है। तो समीकरण आपका 2 निकल गया, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों समीकरण को एक जगह सबसे पहले करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों समीकरण को एक जगह कर लेना है, 2 वाला यहाँ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1, समीकरण 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर देना है, हम बोले थे समीकरण 2 से गुना होता है, 1 में 1 का होता है 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे y है तो y का मान हमको 1 लेना है, यहाँ पे भी y है तो y का मान हमको 1 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण, समीकरण 1 में गुना 1 से, ठीक है, पर माइनस माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। समीकरण 2 में गुना 1 से, ठीक है, जब भी गुना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उतना ही, क्योंकि 1 है सब में, तो 1 गुना एक्स तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 1 से गुना हुआ वाई में तो वाई, फिर 2 से गुना हुआ 1 में तो बराबर 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x से गुना होगा 2x में तो 2x हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस, 1 से गुना होगा वाई में तो वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस 1 गुना, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों समीकरण को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ x माइनस का y बराबर 2, ठीक है। इसके बाद है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह हमको चेंज करना है, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस है तो प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो वाई वाई खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आ गया ना, प्लस माइनस का चिन्ह जब आएगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं उसको, तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, बराबर 2x में से x गया तो यहाँ पे हो गया x, तो x बराबर मेरा हुआ 3। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो x के जगह पे यहाँ निकला है 3, तो 3 ले लेना, माइनस का y बराबर 2, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है, तो y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5, ठीक है, y बराबर आपका 5 निकला, यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 3/5, ठीक है। ये रहा आपका भिन्न, x का मान निकला आपका कितना 3 और y का मान निकला 5, ठीक है। और इसी तरह से बनाना है, ठीक है, जो भी सवाल आएगा, ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे अगला वीडियो देखने के लिए, और अगला वीडियो हम चलते हैं और सवाल बताएंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना मत भूले, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँच